हेलो दोस्तों, मैं विवेक गुप्ता। एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आ चुका हूँ मैं अभिषेक भाई के घर पे। इनके यहाँ एक ऑस्ट्रेलियन पैरेट आया हुआ है। आज मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं आज का वेदर कितना ही सुहाना, कितना ही बेहतरीन है। अभी जस्ट बारिश भी हुई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलियन पैरेट। हे गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ अपनी चिड़ियों के पास। आप देख पा रहे होंगे आज मैं इसका डिटेल कैसे केयर की जाती है इन सभी चिड़ियों का आप बताते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूँ, ये उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि हम लोग बंगाल से लाए हैं। हमारे दादाजी बंगाल में रहते हैं, वहाँ से। हे गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोग बहुत ही खेलते हैं। अब बात करते हैं इसकी केयर की। सबसे पहले हम हर सुबह इसका हैंडल निकाल कर साफ करते हैं, जितना अपशिष्ट पदार्थ गिरा रहता है इस पर। उसके बाद दो बास्केट इसमें रखा गया है। पहले बास्केट में पानी रोज उसको दो टाइम बदलना पड़ता है, और दाने, इसका दाने भी बदलना पड़ता है। हर सुबह साफ़ सुथरे करने पड़ते हैं। इसके लिए दवा का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते जो ये सफ़ेद कलर के दिख रहा है मिट्टी के साथ, इसमें दवा भी मिलाया गया है। और चिड़िया वैसा देख सकते हैं। और इसके लिए दो मिट्टी का प्रयोग किया गया, और रात को एलईडी बल्ब का भी प्रयोग किया गया। आप देख पा रहे होंगे एलईडी बल्ब भी जल नहीं रहा दिन है इसलिए। और मिट्टी भी दो प्रयोग, इसमें मिट्टी में रहते हैं, जिसको अंडे देने मिट्टी में दे देते हैं, और ये बहुत ही प्यार से रहते हैं। और इसके लिए यहाँ पर एक पिंजड़े में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक हैंडल लगा, यहाँ से निकाल के स्क्रूप को इसके अंदर में दाना और पानी को डाल दिया जाता है। इस पिंजड़े की लाइफ और मेरी लाइफ सेम टू सेम ही है। बस ये लोहे की पिंजड़े में बंधी हुई है। और इसमें दो झूले का प्रयोग किया गया है। जब कभी झूले में प्रयोग झूलने के लिए प्रयोग करते हैं लोग, देख सकते हैं आप।